कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार की ओर से गैस सिलेंडर की दरों में वृद्धि कर दी है। सरकार के इसी निर्णय के विरोध में कांग्रेस पार्टी की महिला विभाग की ओर से आंदोलन किया गया। महिला शहर अध्यक्ष नैश अली के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की गई। साथ ही उपस्थित महिलाओं ने चूल्हे पर खाना बनाकर महंगाई का विरोध किया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार महंगाई कम करने की बात करती थी, मगर अभी तक दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर लगाम नहीं लगाई जा रही। देखिए सर, गुड मॉर्निंग, 50 रुपए बढ़ गए एलपीजी सिलेंडर पे। इस टाइप के गुड मॉर्निंग नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। देश की महिलाओं को ये समझ नहीं रहे, क्योंकि ये देश की महिला की पीड़ा समझ ही नहीं सकते। जो बेटा अपने 95 साल की माँ को नोटबंदी के टाइम में बैंक की लाइन में लगा सकता है, जो अपनी पत्नी को बिना बताए ये सूचित किए उसको छोड़ सकता है, वो देश की महिला की पीड़ा क्या समझेगा? उनको क्या समझेगा? एक गृहिणी अपना बजट किस तरीके से तैयार करती है? डेली की चीज़ें, दाल, आटा, चावल, दूध, दही, ऊपर से सिलेंडर आपने जो दिया, आपने हर बार उस पर रेट बढ़ाते जा रहे, बढ़ा कब तक चलेगा? मतलब अभी ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर बैठ करके खाना पकाएंगे, इस पर खाना नहीं पकेगा। अब खाना लकड़ियों पर पकेगा, मिट्टी के चूल्हे पर पकेगा। हमारी मांग केंद्र सरकार से ये है कि सीधे सीधे आप जो ये बढ़ती महंगाई है इस पर रोक लगाइए। देश में ऐसे बहुत सारे प्रोविजन हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर आप पेट्रोल और डीजल को अगर आप GST के दायरे में अगर आप लेते हैं तो उससे आपका ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारी चीज़ें आपकी कम हो सकती हैं, लेकिन वो चाहते ही नहीं। उनको एक्साइज टैक्स भी चाहिए, उनको स्टेट गवर्नमेंट से भी टैक्स चाहिए, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी चाहिए, उनको GST भी चाहिए। तो चाहते क्या है? आ जाओ लूट के चले जाओ, झोला तो भर गया होगा ना। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मतलब उनको थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि एक महिला की पीड़ा कर देश का प्रधानमंत्री नहीं समझ सकता, तो ऐसा 56 इंच के सीने का हमको प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसके सीने में एक सॉफ्ट दिल हो, जो महिलाओं की पीड़ा को और महिलाओं की इज्जत को समझता हो। हमें ऐसा देश का प्रधानमंत्री चाहिए। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।